अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर करते हैं आपका वेलकम। तो गाइस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज जो व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग के अंदर ना, जैसे कल आपने देखा था कि मैं घर में मैंने खुद नाश्ता बनाया था, बजाते खुद अपने लिए और दादों के लिए। देखा था कि नहीं देखा था आपने? तो हमने बनाया था नाश्ता। तो आज ना मुझे ना लग गया, मैं उठी जब फजर के टाइम बंदा उठता है ना, उसके बाद ना उसको नींद नहीं आती, उसके बाद उसको भूख ही लग जाती है काफ़ी। बात तो सही है कि लोगों को हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो मुझे तो लग गई थी भूख, तो आज दादू सो गई नहीं थी, तो मैंने कहा मैं अकेला ही जाता। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, मैं आ गया था नाश्ते वाली दुकान के ऊपर, लेकिन अभी तक उनका खान चने वगैरह बने नहीं थे, कुलचे सिर्फ थे। तो भाई कहते कुलचे लगवा लो, मैंने कहा भाई कुलचे मैंने खाली क्या करने हैं, खा के पानी के साथ खाने हैं। तो चने अभी लग रहे हैं, सॉरी कुलचे अभी लग रहे हैं, चने वाली दुकान में रखेंगे और वो कुलचे लग रहे हैं। अच्छा तो क्या कहते हैं, मैंने भी भाई को कहा जब सारा कुछ रेडी होएगा ना तो फिर आपने मुझे देना है, मुझे भूख बहुत लगी हुई है। और क्या कहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं, पिछली बार जैसे आप देखा था मैंने नाश्ता बनाया था, आज मैंने कहा यार आज बाहर नाश्ता करते हैं। तो जो बाहर नाश्ता करने का मज़ा ना वो घर बैठ के नहीं है। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर ज़्यादातर नाश्ता ही मशहूर है, बोंग पाए खाद वगैरह। और क्या कहते हैं, कराची की तो मैं खुद कहता हूँ मैक्सिमम बहुत 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 मज़े की बिरयानी है, मतलब लाहौर की बिरयानी नहीं है, लाहौर के सिर्फ नाश्ते ही हैं। ठीक है, जैसे तो लाहौर कराची के अंदर कुलचे नहीं मिलते, चने ऐसे नहीं मिलते, तो इस काम में कहते हैं लाहौर लाहौर है। और कराची भी हमारा ही शहर है, और कहते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे जो अच्छी लगती है ना, अपनी हर बंदे का अपनी अपनी होती है फेवरेट, मुझे सबसे अच्छी उनकी लगती है बिरयानी, या उनके उधर मिलता था पाक कोला, वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता था। तो भाई को दे वेट कर रहे हैं, भाई को लगा दें, जल्दी भूख बड़ी लगी हुई है। तो जब नाश्ता आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गर्म गर्म। तो गाइस चने बन गए हैं उनके, तो उन्होंने क्या मैं क्या देख लूँ भाई, वो कहते ये देखे ये चने उनके ना बन गए हैं इस वक्त। तो बस अब 5 मिनट में नाश्ता आ रहा है, वो कुलचे वगैरह भी लग रहे हैं गर्मा गर्म। तो भाई कह रहे सिर्फ 2 मिनट वेट कर लो, तो मैं दे रहा हूँ आपको नाश्ता बस। तो गाइस हमारा नाश्ता इस वक्त आ गया हमारे टेबल के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि जो खुशबू आ रही है ना चनों में से सुबह के वक्त, इनका पहला कस्टमर ही मैं, तो वो जो पहले पहले होते ना चने वो बहुत मज़े के होते, मैं बताता हूँ। ये देखें मैं पानी आ रहा है आपके, मैं कहता हूँ कि सुबह का नाश्ता वैसे ही बड़ा मज़ेगा, मैं एक बाइट लेके देखता हूँ। इतना मज़े के चने हैं, ये चने अगर हम ना घर लेके जाए ना मज़ा नहीं आता। तो ये देखें, जैसे कि बच्चा देख रहा है मुझे नाश्ता करते हुए, तो मुझे अब मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो रही दिखाता। तो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा मज़े का नाश्ता है, मैं कहता हूँ सुबह का नाश्ता उफ बहुत मज़े का। लेवल गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया था, जैसे आप देख रहे हैं मुझे कितना पसीना आया हुआ है। वो पसीना पता क्यों आया, मैं जल्दबाजी के अंदर हाफ बाजू शर्ट की बजाय ना फुल बाजू शर्ट पहना है वो तो वो नाश्ता करते करते इतना पसीना आने लग गया होता मुझे कि बस मज़े का नाश्ता था, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो क्या कहते हैं, अब हमने नाश्ता कर लिया, अब हम ज़रा घर जा रहे हैं, पैदल पैदल जाते हैं घर, ज़रा थोड़ा हज़म भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ना अपना फारूक स्कूल चला गया हुआ, तो अब घर जाते हैं ना, फारूक जब स्कूल से आएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस मैं आ गया था इस घर, बहुत ज़्यादा ना थक गया था, जैसे कल देखा था हमने, कल मैंने व्लॉग बनाया था ना, उस वजह से मैं रात ना सो नहीं सका। तो आज मैंने पहले कहा था मैं पहले अपनी नींद पूरी करूँगा, उसके बाद ना कुछ और काम करूँगा, मैं सोने लगा। तो ना नींद ना बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो ना अब ना इंशाल्लाह फारूक आएगा ना, फ़ारूक नहीं आ रहा, डेढ़ जोहर की नमाज़ के बाद। हाँ तो हम आपको ना जोहर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना, तब मिलेंगे। तो ठीक है गाइस,
तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। Three days later. हेलो तो गाइस, मैं आ गया वापस अपने व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। तो आप जैसे कि बताया, मैं सुबह नाश्ता करके आके ना सो गया हुआ था। तो अब टाइम हो रहा है 2:58 हो रहे हैं। तो मैं उठ गया था, तो फरूख भी स्कूल से आ गया था। तो नमाज मुझे हमने अलहमदिल्ला नमाज पढ़ ली है, और ना नमाज तो 1:30 बजे थे, वो पढ़ ली थी। तो हम आ गए थे अब। तो मैंने मुझे याद आया कि यार मैंने वो व्लॉग का पार्ट बनाना था। तो गाइस, अब आपको पता है कि मैं अब व्लॉग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है काफ़ी 3-4 दिन हो गए व्लॉग में एडिटिंग कर रहा है, फिर वीडियो एडिट करना है, इतना काम होता है, वो सोया नहीं था, तो उसकी आँख में ना मतलब हल्के पड़ गए भाई क्या, तो इस वजह से वो सो रहा है इस टाइम। तो मैंने कहा मैं इधर से व्लॉग कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो हम लोग व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कासिम की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही, उसकी आँखों में हल्की आई मतलब कुछ ऐसे उसके कहते हैं, मुझे सही से नहीं पता, 3-4 दिन हो गए रात को सो भी नहीं रहा, व्लॉग एडिट किए वो बड़ा कुछ है इस वजह से। तो पहले तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम सोते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग बनाते हैं, बड़ी मेहनत। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी। मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो तो आपको अब दिखाते हैं कि सुफियान का कार्ड ऊपर जाके, सुफियान के पेपर चढ़ रहे थे जैसा आपको पता है, तो अब आपको कार्ड दिखाते हैं सुफियान का कार्ड, तो ऊपर जाके हम दिखाते हैं। हमें क्या कार्ड है, ये क्या कार्ड है यार, पढ़ रहे हो? मैं काम करने आ रहा हूँ, पढ़ने का टाइम है भाई, तंग ना करो प्लीज, यू मे गो नाउ, ब्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी ब्रो, यू मे गो नाउ। या तो अपने बदतमीज, आपका पेपर कौन सा चल रहा है? पेपर मेरा तीसरा पेपर है सिविक्स का। सिविक्स का पेपर, तो तैयारी कैसी है? तैयारी कैसी है? पढ़ने वाला साहब है कि तैयारी है? तैयारी है बेटे, तैयारी बहुत है। सेंटर किधर बना? सेंटर PGC एयरलाइन। शूटिंग शूटिंग हो रही है उधर? नथिंग, नहीं सुप्रीडेंट, लेकिन अपना बच्चा कहने की दे रहा है उसको, लेकिन हमको पता है कभी इतना शो ही नहीं कराते हम, वरना तो एक दफ़ा जाके उसको कहना, उसने कहना सर जी बुक सा ले कर आया करें, आप कोई मसला ही नहीं है। तो गाइस, हम लोग सुफियान से सवाल जवाब पूछ के आ चुके हैं, तो मैंने कहा आपको अपने छत का व्यू दिखाएं, क्योंकि अब मौसम बड़ा अच्छा है, हवा वो भी चल रही है, धूप भी है। वो चेक करें, पौधे हिल रहे हैं, चेक करें, तो गाइस आपको जैसे पता कुर्बानी भी आ रही है, महीना रह गया, ज़्यादा देर नहीं रह गई, महीना ही रह गया, तो हम लोग भी जानवर लाते हैं, एक दो दिन पहले लाते हैं, क्योंकि गर्मी बड़ी है, अभी भी देर धूप में वहाँ खड़े होके लोग बना रहे, गर्मी बड़ी है, एक तो और ना संभालना संभालना मुश्किल होता है। तो पहले आप तो ये कमेंट में बताएं आप क्या क्या कुर्बानी करते हैं, और हम लोग की कुर्बानी आपको सरप्राइज होगा, जो भी हम लेंगे वो आपको उसका भी व्लॉग डालेंगे, आप देख लें। और ईद पे हमारे 3 जितने दिन हम लोग जानवर लाएंगे, कुर्बानी लेने जाएंगे मतलब मंडी, उसके भी आपको व्लॉग दिखाएंगे, सारे दिन व्लॉग ही आएंगे, कोई चैलेंज की वीडियो नहीं आएगी, ये हो जाएगा टाइमिंग फिर से आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन व्लॉग ही आएगा ज़्यादा। तो अभी मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है। तो गाइस फिर आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि कासिम की तो इतनी नहीं सही थी, तो मैंने इसे एंडिंग करनी है, तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। स्टेट यू स्टेट स्टेट यू स्टेट हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।